फ्रेंड्स, वेलकम टू द फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स ऑफ कंपटीशन कम्युनिटी। मैं हूं निकहत परवीन खान और एफटीआर के आज के सेशन में हम मिडिवल इंडियन हिस्ट्री मतलब कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन विद द क्वेश्चन नंबर वन। सो क्वेश्चन नंबर वन है आपका, राजपूत राज से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। यू हैव टू आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा कथन सत्य है। अलाउद्दीन की मृत्यु महोबा की लड़ाई में हुई, कन्नौज क्षेत्र में परमार शासकों का प्रभुत्व था, पृथ्वीराज चौहान को झेलम के निकट मोहम्मद गौरी ने बंदी बनाया था, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, क्वेश्चन राजपूत काल से है, सन 800 से 1200 ईस्वी के बीच में भारत का अंधकार युग या डार्क एरा कहलाता है, राजपूत एरा, क्योंकि ये एक ऐसा एरा था जिसमें मध्यकालीन इतिहास प्रारंभ नहीं हुआ था और जो प्राचीन इतिहास है उसका करीब करीब अंत हो चुका था। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला एरा था। अंधकार युग इसलिए कहते हैं हम राजपूत एरा को क्योंकि इस टाइम पीरियड के बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी साहित्यिक स्रोतों से नहीं है। तो 800 से 1200 ईस्वी के बीच जो राजपूत काल था उससे संबंधित कुछ कथन दिए हुए हैं कि कौन सा इसमें से ट्रू है, जो कथन है उसे आइडेंटिफाई करना है। क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा ए, अलाउद्दीन की मृत्यु महोबा की लड़ाई में हुई थी। ठीक, मतलब जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक, तो मैं पहले सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को बताती हूँ कि ये गलत क्यों है, फिर मैं आपको बताऊँगी फर्स्ट स्टेटमेंट जो कि करेक्ट है। कन्नौज क्षेत्र में परमार शासकों का प्रभुत्व था, ये गलत है। राजपूत काल में अगर हम देखें तो जो कन्नौज है वहाँ पर जो वंश था वो था गहड़वाल। ठीक है, तो कन्नौज में गहड़वाल वंश का शासन था, ना कि परमार। परमार वंश का जो शासन था ना, वो मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है आपका, जहाँ पे धार है, उस एरिया में परमार वंश का शासक था, कन्नौज वाले एरिया में नहीं। ठीक है, तो कन्नौज में गहड़वालों का शासन था, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद है, पृथ्वीराज चौहान को झेलम नदी के निकट मोहम्मद गौरी ने बंदी बनाया था। तो राजपूत इतिहास का सबसे फेमस पन्ना है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच के युद्ध का। हम सभी जानते हैं कि राजपूत एरा की में सबसे दो इम्पॉर्टेंट बैटल्स लड़ी गई 1191 में, बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट मतलब तराइन का प्रथम युद्ध, और 1192 में बैटल ऑफ तराइन सेकेंड मतलब कि तराइन का द्वितीय युद्ध। दोनों ही युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, जो कि चौहान वंश के राजा थे, इनका जो चौहान वंश था वो राजस्थान के अर्गिर्द था, जिनकी राजधानी अजमेर थी राजपूत काल में। तो पृथ्वीराज चौहान और विदेशी आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी के बीच में दो प्रसिद्ध युद्ध हुए। आप कह सकते हैं ये वो युद्ध थे जिन्होंने इतिहास में एक नया पन्ना ऐड किया मध्यकालीन इतिहास का। मतलब दीज बैटल्स वर द टर्निंग पॉइंट, जिसके बाद से आप कह सकते हैं कि मिडिवल इंडियन हिस्ट्री एक्चुअली में स्टार्ट होती है, भारत में मुस्लिम शासन प्रारंभ होता है। तो इसलिए बहुत फेमस बैटल्स हैं। उसी पे से एक क्वेश्चन है, मतलब ये स्टेटमेंट उसी में से है कि पृथ्वीराज चौहान को झेलम के निकट मोहम्मद गौरी ने बंदी बनाया था। आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट जो तराई का प्रथम युद्ध था उसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे, मोहम्मद गौरी हार गए थे। ठीक है, सेकेंड वाला जो युद्ध था 1192 वाला, इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गौरी जीत गए थे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये तराइन के द्वितीय युद्ध के टाइम का ही है। इस दौरान पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया था, ये तो सही है। लेकिन इस स्टेटमेंट में गलत ये है कि झेलम नदी के तट पर नहीं, सरस्वती नदी के तट पर। ठीक, सरस्वती नदी के तट पर इन्हें बंदी बनाया गया था, कुछ दिन तक के अजमेर में रखा गया, फिर बाद में उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा तराइन के दूसरे युद्ध से ये वाला स्टेटमेंट है जिसमें मोहम्मद गौरी ने चौहान को, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया था, पर झेलम नदी के तट पे नहीं, सरस्वती नदी के तट पर। इज दैट क्लियर? इस वजह से बी और सी गलत हैं। ए, अल्हा और उदल की मृत्यु महोबा की लड़ाई में हुई थी। अभी अल्हा और उदल हैं कौन? राजपूत इतिहास अगर आप देखेंगे तो भारत में सत्ता के कई केंद्र थे, इंडिया बिखरा हुआ था, देयर वर मेनी सेंटर्स ऑफ पावर, मतलब कई राजवंशों को आपको समानांतर पढ़ना पड़ता है राजपूत काल में। ऐसा ही एक राजवंश था चंदेल राजवंश। चंदेल राजवंश मध्य प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर राज किया करता था। अल्हा और उदल जो हैं ये चंदेल वंश के ही सेनापति थे। अल्हा और उदल जो हैं चंदेल वंश के राजा परमल, जिन्हें परमदीदेव भी बोला जाता है या राजा परमल नॉर्मली बोला जाता है, उनके सेना के सेनापति थे चंदेल वंश के।
तो इनके टाइम पर चंदेलों और चौहानों का युद्ध हुआ था। कह सकते हैं आप कि पृथ्वीराज चौहान जो है उन्होंने सन 1182 में बुंदेलखंड में आक्रमण किया, बुंदेलखंड, ठीक, और बुंदेलखंड में आक्रमण किया और वही युद्ध कहलाता है महोबा का युद्ध। तो कुल मिलाकर ऐसा है कि चौहानों ने चंदेलों पर आक्रमण किया, ठीक है, चौहानों ने चंदेलों पर आक्रमण किया और यही युद्ध कहलाता है महोबा का युद्ध, ठीक। अब ये जो आक्रमण हुआ था इसमें चंदेल और चौहान में चौहान ज़्यादा शक्तिशाली थे, पर चंदेलों के जो सेनापति थे अल्हा और उदल, इन लोगों ने काफ़ी वीरता से सामना किया था चौहान वंश की सेना का, ठीक, काफ़ी ब्रेवरी से ये लड़े थे, लेकिन अंतिम में जाके वो वीरगति को प्राप्त हो गए, ठीक, और कहीं ना कहीं चौहानों ने चंदेलों को इस युद्ध में हरा दिया था। तो इसी महोबा के युद्ध में ही अल्लाह और उदल नाम के दो सेनापति जो हैं उनकी मृत्यु हो गई थी, वही स्टेटमेंट सामने दिया हुआ है, ठीक है। बाद में अल्लाह और उदल की वीरताओं की जो कथाएं हैं वो वहाँ के जो एरिया था जहाँ पे चंदेल वंश था वहाँ की लोक गाथाओं में काफ़ी प्रसिद्ध हुई। अल्लाह खंड करके एक लोक गाथा लिखी गई जिसमें अल्लाह और उदल की वीरता की कई गाथाएँ उसमें लिखी, खासतौर पर इस युद्ध की, महोबा के युद्ध की, ठीक है। तो ये राजपूत वंश राजपूत काल में चौहान और चंदेलों के बीच के एक युद्ध के बारे में स्टेटमेंट है, और इसलिए सही है क्योंकि बिल्कुल सही लिखा है, अल्लाह और दल की मृत्यु महोबा की लड़ाई में हुई थी। इज इट क्लियर? सो दिस वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम राजपूत एरा। देखिए मध्यकालीन इतिहास में बहुत सारे फेजेज हैं, राजपूत काल है, फिर दिल्ली सल्तनत है, फिर मुगल्स हैं, ठीक है, उसके अलावा विजयनगर साम्राज्य है, बहमनी साम्राज्य है, और मराठों को भी आप इसमें पढ़ सकते हैं, हालांकि वो अगेन ट्रांसफॉर्मेशन वाले फेज में थे, पर हम इसमें मराठों के भी एक दो क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। सो विद दैट नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। तो आपका क्वेश्चन नंबर टू है, एकता व्यवस्था से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपको आइडेंटिफाई करना इनकरेक्ट स्टेटमेंट एकता सिस्टम से रिलेटेड। इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी या केवल सैन्य अधिकारियों के वेतन से संबंधित थी? इसमें नकद वेतन के बदले भूमि प्रदान की जाती थी या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा बी, या केवल सैन्य अधिकारियों के वेतन से संबंधित थी। मतलब ये वाला स्टेटमेंट असत्य है, इनकरेक्ट है। बाकी पहला कि इल्तुतमिश ने इसे प्रारंभ किया, और तीसरा कि इसमें नकद वेतन के बदले भूमि प्रदान की जाती थी, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत है। तो देखिए ये क्वेश्चन जैसे कि आप समझ ही पा रहे होंगे, दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश था, गुलाम वंश में जो दूसरा वंश था शमशी वंश, उसके जो संस्थापक थे शमशुद्दीन इल्तुतमिश, इनके शासनकाल से पूछा गया है। एक्चुअली में दिल्ली सल्तनत में ही व्यवस्था थी, पर इसके ओरिजिन जो करने वाले राजा थे वो यही थे, तो एक्चुअली में यहाँ से टॉपिक उठाकर पूछा है। शमशी वंश दूसरा मामिलुक वंश था, यानी कि दूसरा गुलाम वंश था, और उसके संस्थापक थे शमशुद्दीन इल्तुतमिश, जिन्होंने एक सिस्टम स्टार्ट किया था विच वॉज अ टैक्स फार्मिंग सिस्टम। टैक्स फार्मिंग सिस्टम था ये, एक तरह का लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड सिस्टम था ये, जिसका नाम था एकता व्यवस्था, एकता सिस्टम। तो ऐसा था कि इल्तुतमिश के समय में जितना एम्पायर था उसको उन्होंने छोटे बड़े कई इकतों में डिवाइड कर दिया था। ये इकता जो है, इकता एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है भूमि, लैंड, और ये व्यवस्था ऐसी थी कि जितने इनके सरकारी और गैर सरकारी ऑफिसर हुआ करते थे इन्हें वेतन के बदले में इल्तुतमिश ने वो इकते यानी कि भूमि देना शुरू किया, मतलब कि कर योग्य कृषि भूमियों को विभाजित कर दिया गया था अलग अलग हिस्सों में, और जब भी ये सैलरीज देता था चाहे वो अपने सिविल ऑफिसर्स को दे चाहे वो मिलिट्री ऑफिसर्स को दे, तो उनको नकद वेतन यानी कैश के बदले में ये जो इकते हैं यानी जो भूमियां हैं उन्हें दिया करता था, ठीक। इसी को हम कहते हैं इकता प्रणाली। और जो वो भूमि लेते थे, जो जाहिर सी बात है उसके बाद वो भूमि के स्वामी बन जाते थे, उन्हें कहा जाता था इक्तेदार, मुक्ता या वली, ठीक है, यानी जिन्हें भूमि दी जाती थी यानी इक्ते के जो प्रमुख हो जाया करते थे उनके उन्हें कहा जाता था इक्तेदार, मुक्ता या
वली। ठीक है, तो एक तरह का ये सिस्टम था जिसमें वेतन में भूमि देने की प्रथा स्टार्ट हुई। धीरे धीरे से इस तरह से जो टैक्स फार्मिंग सिस्टम है, कहने का मतलब है जो कर योग्य कृषि भूमियाँ हैं उसमें कई सारे इक्तदार जो हैं वो काबिज हो गए। शुरुआत में वेतन के लिए इक्ता प्रणाली का इस्तेमाल किया गया इल्तुतमिश के समय। धीरे से जाके फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर ये इक्तदारी व्यवस्था वंशानुगत यानी हेरिडेटरी हो गई। मतलब अगर कोई इक्तदार है किसी भूमि का तो उसका कोई वंशज ही उसका अगला इक्तदार होगा। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ऐसा था कि वो वंशानुगत नहीं थी स्टार्टिंग में, पर फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे ये वंशानुगत हो गई थी। तो बॉटम लाइन इज इक्ता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी और ये वेतन में कैश के बदले भूमि देने की व्यवस्था थी। और इसीलिए मैंने जैसे कि बताया फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है इल्तुतमिश ने स्टार्ट की ये सही है। थर्ड वाला स्टेटमेंट है इसमें नकद वेतन के बदले भूमि प्रदान की जाती थी, ये भी सही है जैसे कि मेरे एक्सप्लेनेशन से समझ में आता है। पर सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि ये केवल सैन्य अधिकारों के वेतन संबंधित नहीं है। गैर सैन्य अधिकारी जो थे, जो नोबेल्स हुआ करते थे, जो अमीर हुआ करते थे इनके टाइम पे, मतलब सिविल और मिलिट्री दोनों ही तरह के जो अधिकारी होते थे, सैन्य और गैर सैन्य अधिकारी, उन दोनों के ही वेतन से संबंधित थी। और यहाँ पे सिर्फ लिखा है केवल सैन्य, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। इज दैट क्लियर? सो दैट वॉज अ क्वेश्चन फ्रॉम दी मामलुक डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री है, निम्न में से अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित कौन सा कथन असत्य। अगेन आपका क्वेश्चन है कि आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। चित्तौड़ पर अधिकार कर उसने उसका नाम खिजरबाद रखा था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन है ये। खिलजी वंश मध्यकालीन दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन है। चित्तौड़ पर अधिकार कर उसने उसका नाम खिजरबाद रखा, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है, उत्तर भारत के विजय अभियान में मलिक काफूर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तीसरा है, अलाउद्दीन खिलजी प्रथम शासक था जिसने स्थायी सेना गठित की थी। और चौथा है, तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव ने कोहिनूर भेंट किया था उसे। और इन चारों ही अलाउद्दीन खिलजी से जुड़े स्टेटमेंट्स हैं। यू हैव टू आइडेंटिफाई इनकरेक्ट असत्य कौन सा है। व्हाट विल बी द आंसर? इसका आंसर होगा बी, उत्तर भारत के विजय अभियान में मलिक काफूर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो देखिए हम समझेंगे कि ये गलत क्यों है, पहले तो बाकी को देखते हैं। सो डायरेक्टली आपको समझ में आ रहा है कि द क्वेश्चन इज फ्रॉम द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ द एंटायर दिल्ली सल्तनत एंड दैट इज अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया दिल्ली सल्तनत में। और ये हर मामले में, चाहे वो साम्राज्य विस्तार हो, चाहे वो स्थापत्य हो, चाहे वो नीतियाँ हो, चाहे वो प्रशासन हो, हर मामले में काफ़ी सफल राजा था, काफ़ी प्रसिद्ध और काफ़ी शक्तिशाली राजा था। और इसीलिए इस पर से क्वेश्चंस बहुत सारे वैरायटी के बनते हैं। मतलब अगर मैं कहूँ कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा अगर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं तो अलाउद्दीन खिलजी पर ही सबसे ज़्यादा बनते हैं। सेकेंड में आता है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, अलाउद्दीन और फिरोज शाह तुगलक, और थर्ड में मोहम्मद बिन तुगलक। ये दो तीन ही राजा हैं जिनके बारे में अबाउट्स बहुत सारे फेमस हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड की, उसके जो युद्ध अभियान हैं उससे जुड़े कुछ चीज़ें इसमें दी गई हैं। और उसमें पहला जो स्टेटमेंट है, हमने कहा था ना कि आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना, तो पहले के जो बाकी के जो तीन हैं वो सत्य हैं। तो क्यों है उसको पढ़ के हम समझते हैं। चित्तौड़ पर अधिकार कर उसने उसका नाम खिजरबाद रखा था। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर पश्चिमी भारत और दक्षिण भारत इन दोनों ही जगह युद्ध अभियान चलाए थे। और इसी सिलसिले में जब वो उत्तर पश्चिमी भारत में युद्ध अभियान चला रहा था, सन 1303 में उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। ठीक, आपने पद्मावत मूवी अगर देखी होगी तो आप चित्तौड़ पे आक्रमण की वो पूरी कहानी थोड़ी बहुत तो जानते ही होंगे। ठीक है, चित्तौड़ के किले की सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्ता थी, इस वजह से चित्तौड़ पर उसने आक्रमण किया था सन 1303 में। ठीक, अब उसके बाद हुआ ऐसा, उस वहाँ के राजा राजा रतन देव थे ना, ये सबको पता ही है। तो चित्तौड़ पे राजा रतन देव को हरा करके चित्तौड़ को उसने एनेक्स कर लिया, अपने साम्राज्य में मिला लिया। और उसका एक बेटा था अलाउद्दीन खिलजी का, जिसका नाम था खिजर खान। चित्तौड़ का नाम बदल के उसने अपने बेटे के नाम से उस जगह का नाम रख दिया खिजरबाद। खिजरबाद, खिजर खान अलाउद्दीन का बेटा था, बस उसी के नाम पर चित्तौड़ जीतने के बाद उसने खिजरबाद रख दिया। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यही चीज स्टेटमेंट नंबर 1 में ली गई है। ठीक,
थर्ड वाला स्टेटमेंट है, अलाउद्दीन खिलजी प्रथम शासक था जिसने स्थाई सेना गठित की है। तो बिल्कुल सही है, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन भी कई एग्जाम में पूछा गया कि बताइए इतिहास का पहला शासक कौन जिसने परमानेंट आर्मी रखी, और वो है अलाउद्दीन खिलजी। परमानेंट आर्मी का मतलब है जिसे रेगुलर सैलरी पे इसने रखा था। इसके पहले के शासक ऐसे होते थे कि वो अस्थाई सेना रखते थे, जब भी युद्ध होता था तब वो सेना संगठित करते थे, ट्रेनिंग देते थे और उस वक्त ही सैलरी देते थे, या मैं कहूँ खम्स में जो जीता हुआ धन हुआ करता था, मतलब कि अपोजिट वाले जिनको हराया इन्होंने उनसे जो धन प्राप्त होता था उसको ये लोग सैनिकों में बांट दिया करते थे, और वो जब युद्ध ख़त्म हो जाता था तो सेना जो है वो डिसॉल्व हो जाती थी। ऐसी ही सेना हमेशा से रही भारत में, पर अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसका मेन मोटिव था कि हमें साम्राज्य विस्तार करना है, और उसके लिए उसका ये कहना था कि जब तक मैं एक स्थायी सेना नहीं रखूँगा तब तक ये पॉसिबल नहीं है। तो उसने एक परमानेंट आर्मी रखी, मतलब आर्मी तब भी रहती थी जब कोई युद्ध नहीं होता था, उन्हें वो रेगुलर सैलरीज देता था, उन्हें उसने घोड़े अलॉट कर दिया था, उनकी रेगुलर ट्रेनिंग किया करता था, और इसी वजह से ये साम्राज्य विस्तार में काफ़ी सफल था। ठीक है, स्थाई सेना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल साबित हुई जिस वजह से उसने अपने सारे युद्ध करीब करीब जीते। इज दैट क्लियर? तो ये बिल्कुल सही है, पहला शासक जिसने स्थाई सेना रखी। और लास्ट जो स्टेटमेंट है, तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव ने कोहिनूर भेंट किया। तो ऐसा है कि अलाउद्दीन ने अपनी स्थाई सेना के बूते पर दक्षिण पर आक्रमण किया था। ठीक, और दक्षिण पे जब आक्रमण किया था तो वारंगल के जो शासक थे तेलंगाना में, वारंगल के जो काकतीय शासक थे, काकतीय वंश के शासक थे, वो थे प्रताप रुद्रदेव। आपने अगर छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ा होगा तो उसमें भी आपने इनका जिक्र सुना होगा। प्रताप रुद्रदेव का ही छोटा भाई था अन्नमदेव। ठीक है, बस्तर में आप जो इतिहास पढ़ते हैं वो इसी से रिलेटेड है, अगर आपने उसका हिस्ट्री स्ट्रेच की होगी तो। तो प्रताप रुद्रदेव जो है उनके ऊपर जब आक्रमण किया था दक्षिण अभियान के दौरान, तो प्रताप रुद्रदेव ने अपनी एक मूर्ति बनाकर उसमें जंजीर पहनाकर सरेंडर कर दिया था। और वहीं से जब उन्होंने तेलंगाना पर अपना आधिपत्य किया दक्षिण अभियान में, तो वहीं से उन्हें कोहिनूर प्राप्त हुआ था। ठीक है, गोलकोंडा के माइन से कोहिनूर निकला था और प्रताप रुद्रदेव के ज़रिए ही अलाउद्दीन को कोहिनूर, या एक्चुअली मैं कहूँ मलिक काफूर जो सेनापति थे, मुख्य सेनापति, उनके उस अभियान में मलिक काफूर को वो कोहिनूर प्राप्त हुआ था। ठीक, तो याद रखिए ये स्टेटमेंट इसी वजह से सही है। और जो स्टेटमेंट गलत है, उत्तर भारत की विजय अभियान में मलिक काफूर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये गलत इसलिए क्योंकि अभी अभी हमने बताया कि जो दक्षिण भारत का अभियान था ना, वहाँ पे इम्पॉर्टेंट थे मलिक काफूर। और मलिक काफूर कौन थे? अलाउद्दीन ने अपना उत्तर पश्चिम भारत का सबसे पहले अभियान चलाया गुजरात में, 1299 की बात है। गुजरात में उन्हें मिले मलिक काफूर, जिन्हें 1000 दिनार देकर ख़रीदा गया था, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है। बाद में अपने चातुर्य, अपने कह सकते हैं आप चातुर्य के साथ साथ अपनी ब्रेवरी की वजह से वो खिलजी की सेना में बहुत महत्वपूर्ण ओहदे पर पहुंच गए, उन्हें मुख्य सेनापति बना दिया गया। और उत्तर पश्चिम जीतने के बाद जब अलाउद्दीन ने दक्षिण की ओर कूच किया तो पूरे दक्षिण अभियान की कमान जो है वो मलिक काफूर के हाथों में दे दी गई। यानी दक्षिण भारत की विजय का मैक्सिमम श्रेय जो है वो काफूर को ही जाता है। तो दक्षिण भारत ना कि उत्तर भारत, और स्टेटमेंट में दिया गया उत्तर भारत, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। इज दैट क्लियर? अलाउद्दीन खिलजी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डू स्टडी मैक्सिमम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस व्हिच एवर इज पॉसिबल। ठीक, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा आरोपित किए गए करों को सुमेलित कीजिए। यू हैव टू मैच द टैक्स की, वो जो टैक्स के नाम दिए हैं वो किस तरह के टैक्सेस के हैं, आपको मैच करना है। खराज, उस्र, ज़कात और जजिया, और सामने दिया है मुसलमानों पर धार्मिक कर, गैर मुसलमानों पर भूमि कर, गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर और मुसलमानों पर भूमि कर। मतलब जो लोग ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे होंगे उनको मैं बता दे रही हूँ, खराज, उस्र, ज़कात, जजिया के सामने जो लिखा है रिलीजियस टैक्स ऑन मुस्लिम्स, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला है, और लैंड रेवेन्यू ऑन नॉन मुस्लिम्स, फिर थर्ड वाला है रिलीजियस टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स, और चौथा वाला है लैंड रेवेन्यू ऑन मुस्लिम्स, आपको मैच करना है। ये क्वेश्चन जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाए गए करों के संबंध में है। क्या होगा आंसर? कुछ कूट दिए हुए आपका ABCD में, बताएं क्या होगा इसका आंसर। होगा सी, ए का 2 यानी खराज का होगा गैर मुसलमानों पर भूमि कर, बी का 4
मतलब उस्र का होगा मुस्लिमों पर भूमि कर, सी का वन ज़कात का होगा मुसलमानों पर धार्मिक कर, और डी का होगा थ्री मतलब जजिया होगा गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर। तो देखिए ये सवाल जो है सल्तनत कालीन अकबर यानी कि फिरोज शाह तुगलक पर पूछा गया है, जिसे सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है अपने विकासात्मक कार्यों की वजह से। तुगलक वंश का आप कह सकते हैं सबसे सफल सबसे प्रसिद्ध राजा फिरोज शाह तुगलक, जिसका जो शासनकाल रहा फिरोज शाह तुगलक, इसका शासनकाल रहा 1351 से लेकर 1388 ईस्वी के बीच में। ठीक है, सल्तनत कालीन अकबर इसलिए कहते हैं बिकॉज ही डिड मेनी डेवलपमेंटल वर्क्स, काफ़ी सारी चीज़ें विभाग और कई सारे शहर नहर बहुत सारी चीज़ें इसने बनवाई थी, इस वजह से इसे सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। इसके टाइम पर इसने कर व्यवस्था में भी कुछ चेंजेस किए थे, करीब करीब 23 विभिन्न कर लोगों पर लगाए जाते थे और उस टैक्सेशन की वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा थी, इसलिए फिरोज शाह तुगलक ने टैक्स रिफॉर्म्स करते हुए सभी करों को समाप्त कर दिया और सिर्फ 4 से 5 ही इम्पॉर्टेंट कर वसूले। 5 जो स्रोत हुआ करते थे उसमें से तो एक खम्स होता था जो युद्ध में जीता गया धन था उसको उसे रखा, उसके अलावा इसने 4 टैक्स वसूले लोगों से। तो ये इस तरह का टैक्स रिफॉर्म था जिसमें कई सारे टैक्सेस को हटाकर कुछ टैक्स लगाए गए, जिसके वजह से कास्केडिंग ऑफ टैक्स कम हो गई, एक के ऊपर एक जो बहुत सारे टैक्स वसूले जाते थे वो कम हो गई और इस वजह से महंगाई भी कंट्रोल हो गई। तो ये तो अच्छी बात थी कि इसने इकोनॉमी में कुछ टैक्स रिफॉर्म किया, बुरी बात ये थी कि इसने जो कर लगाया था वो धर्म के आधार पर लगाया था। दरअसल उसने कर व्यवस्था को धार्मिक रंग देने की कोशिश की, इसने शरिया यानी कि इस्लामिक कानूनों के हिसाब से टैक्स सिस्टम को बनाया और इसने मुख्यतः आप देखेंगे तो 4 तरीके के कर वसूले, एक था खराज, एक था उशरफ बोला जाता है इसे, उस्र भी कहा जाता है उशरफ भी कहा जाता है, एक था ज़कात और एक था जजिया। जो खराज और उस्र होता था ना वो लैंड रेवेन्यू होता था, लैंड रेवेन्यू ने भूमि कर, और ज़कात और जजिया जो था ये एक्चुअली आपका रिलीजियस टैक्स होता था मतलब कि धार्मिक कर। लैंड रेवेन्यू खराज और उशरफ, और ज़कात और जजिया धार्मिक कर मतलब धार्मिक रीति रिवाजों पर लगने वाले कर, कोई आप पर्टिकुलर किसी धर्म के हो तो आपको ये टैक्स पटाना पड़ेगा। अब ऐसा था कि जो खराज था ये एक लैंड रेवेन्यू था जो उसने नॉन मुस्लिम्स से वसूला, ठीक है, मतलब लैंड रेवेन्यू जो नॉन मुस्लिम्स देंगे उसे कहा गया खराज, और लैंड रेवेन्यू जो मुस्लिम्स देंगे उसे कहा गया उशरफ। और बिल्कुल ऐसे ही वो धार्मिक कर जो मुस्लिम्स देंगे उन्हें कहा गया ज़कात, और वो धार्मिक कर जो नॉन मुस्लिम्स देंगे उसे कहा गया जिजिया। और इवन इसने जजिया जो है ब्राह्मणों पर भी लगाया, जबकि ब्राह्मणों को टैक्स फ्री रखा जाता है, बट इसने जो है उस धार्मिक नीति के ज़रिए ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था। और जाहिर सी बात है धर्म के हिसाब से था, तो जो भी कर वो नॉन मुस्लिम से वसूलता था जैसे कि खराज और जजिया, उसकी दरें हमेशा मुसलमानों से ली गई दरों से ज़्यादा हुआ करती थी, यानी कि खराज की दर उसर से ज़्यादा होती थी और जजिया की दर ज़कात से ज़्यादा हुआ करती थी। और इस वजह से सल्तनत काल का अकबर कहे जाने वाला फिरोज शाह तुगलक सल्तनत काल का औरंगज़ेब भी कहा जाने लगा। ठीक है, तो ही इज़ ऑल्सो नोन एज द प्रेडिसेसर ऑफ औरंगज़ेब, नॉट ओनली द प्रेडिसेसर ऑफ अकबर, ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज स्टॉन्च मुस्लिम पॉलिसीज रिलेटेड टू टैक्सेस। Is it clear? तो उसी टैक्सेशन सिस्टम से क्वेश्चन था जिसका सही जो आंसर है जैसे कि आपको बताया मैंने सी होगा इस कोड के हिसाब से। ठीक, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो द क्वेश्चन नंबर 5 इज दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले सभी शासकों में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक कौन था, हु वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग रूलर इन द एंटायर दिल्ली सल्तनत, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी या मोहम्मद शाह लोधी, हु वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग दिल्ली सुल्तान, सबसे लंबा शासनकाल किसका था, आंसर होगा ए बहलोल लोधी।
देखिए ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको सबको पता ही है कि दिल्ली सल्तनत के जितने सुल्तान हैं उनके ऊपर कई किताबें लिखी गई, तो उनका टाइम पीरियड काफ़ी क्लियर है। तो पूरे मध्यकाल में चाहे वो दिल्ली सल्तनत हो चाहे मुगल शासन हो, आपको सभी इंपॉर्टेंट राजाओं की, मैं सभी की बात नहीं कर रही दिल्ली सल्तनत में, पर मुगलों में तो सभी की बात कर रही हूँ, मुगलों में सभी की और दिल्ली सल्तनत में कुछ इंपॉर्टेंट राजाओं के टाइम पीरियड्स आपको याद रहने चाहिए, ठीक। और उन्हीं में से एक डायरेक्ट क्वेश्चन एनालिटिकल पूछ दिया उसने कि सबसे लंबे टाइम तक किसने रूल किया, और आंसर है बहलोल लोदी। बहलोल लोदी, लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी, भारत का पहला अफगान वंश जो कि दिल्ली सल्तनत में आया, लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी, इसने AD तक इंडिया में रूल किया, और इट वॉज 38 years फॉर द टाइम पीरियड ही रूल इज 38 years, 38 साल इसने भारत में शासन किया था। इज फॉलोड बाय फिरोज शाह तुगलक। अभी अभी हमने फिरोज शाह तुगलक का एग्जाम्पल लिया था ना, क्वेश्चन लिया था, उसमें हमने देखा था ना 1351 से लेकर 1388 ना, तो इन्होंने 37 years रूल किया था फिरोज शाह तुगलक ने, और बहलोल लोदी जो हैं लोदी वंश के संस्थापक, उन्होंने 38 साल। तो इस तरह से पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे जो लंबे समय तक शासन करते थे वो यही थे, ठीक है। डायरेक्ट शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, विजयनगर प्रशासन व्यवस्था में निम्न इकाइयों को बड़े से छोटे क्रम में जमाइए, ठीक है। विजयनगर एम्पायर से क्वेश्चन है और आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स दी गई हैं, यानी प्रशासनिक इकाइयां दी गई हैं, आपको सबसे बड़े यूनिट से लेकर सबसे छोटे यूनिट तक आपको एक सीक्वेंस बताना है। और आपके जो ऑप्शंस हैं, या मैं कहूँ जो दिए गए स्टेटमेंट्स में है, मंडलम है, नाडू है, स्थल और ग्राम, फिर आपके कोड दिए गए 1234 2134 1324, या इनमें से कोई नहीं। What will be the answer? इसका आंसर होगा ए 1 2 3 4, मतलब जिस क्रम में दिया है ना, मंडल, फिर नाडू, फिर स्थल और फिर ग्राम, ये बिल्कुल सही है। सो द क्वेश्चन हैज़ बीन पिक्ड फ्रॉम द सदर्न इंपॉर्टेंट डायनेस्टी ऑफ द मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, विजयनगर एम्पायर। विजयनगर साम्राज्य मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक साम्राज्य था जो सन 1336 में अस्तित्व में आया था, नियर द रिवर तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी के समीप ये एम्पायर अस्तित्व में आया और इसके जो संस्थापक थे वो थे हरिहर और बुक्का। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये एम्पायर स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आया, और उसके बाद से मुगलों के टाइम तक के ये एम्पायर जो है वो चला था पैरेलली। ऊपर दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो गई, मुगल आ गए, और ये विजयनगर साम्राज्य जो है वो दक्षिण भारत में तुंगभद्रा के इर्द गिर्द, यानी कृष्णा नदी का जो दक्षिणतम हिस्सा है, कृष्णा नदी के ऊपर बहमनी और कृष्णा नदी के नीचे जो है वहाँ पर विजयनगर साम्राज्य का विस्तार था। इसमें सबसे पहले संगम, फिर सालु, फिर तुलु, फिर अरावीडु, ये चार वंश जो हैं वो क्रम से हुए। तो उसी विजयनगर साम्राज्य में जो प्रशासनिक इकाइयों की व्यवस्था है उसके ऊपर ये क्वेश्चन था। विजयनगर एम्पायर जो है अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी जाना जाता था, वहाँ पे बहुत ही स्पष्ट तरीके से प्रशासन की इकाइयाँ बटी हुई थी। प्रशासनिक इकाइयाँ कैसे, जैसे आज हम कहते हैं ना कि हमारी कंट्री अलग अलग प्रशासनिक इकाइयों में बटी हुई है, पहले कंट्री है, उसके अंदर स्टेट है, स्टेट के अंदर डिविजन्स हैं, डिवीज़न के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फिर तहसीलें हैं, फिर टाउन है, फिर विलेज है, है ना। मतलब जैसे पहले सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई हो जाएगी क्या, कंट्री, ठीक है। उसके अंदर हो जाते हैं स्टेट्स, मतलब कि राज्य, स्टेट्स से छोटा होता है, कई स्टेट्स के अंदर होते हैं डिवीजन्स, डिवीजन्स का मतलब होता है आपका संभाग, कई संभागों का समूह, राज्य। डिवीजन से छोटा होता है डिस्ट्रिक्ट्स, कई ज़िलों के समूह से बनता है एक संभाग, तो एक संभाग के अंदर बहुत सारे ज़िले होते हैं और एक ज़िले के अंदर बहुत सारी तहसीलें होती हैं, एक तहसील के अंदर बहुत सारे गांव या शहर, यानी कि मैं इसे विलेज बोल लूँ या शहर बोल लूँ, उस वक्त तो खैर शहर थे नहीं, इस तरह से विलेज और टाउन। तो सबसे छोटी इकाई आप देखोगे तो विलेज होता है, ऐसा जो देखा जाए तो विलेज से बढ़ता है सिर्फ डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन, स्टेट, यही है प्रशासनिक इकाई, आज भी वैसी है और इनके टाइम पे भी थी, और उसी पर से सवाल है। तो विजयनगर साम्राज्य में ऐसा था कि जैसे आज राज्य होते हैं कंट्री के अंदर, वैसे यहाँ पर हुआ करते थे प्रांत, राज्य तो सबसे जो बड़ा हुआ करता था, वो जो प्रांत हुआ करता था वो प्रांत को कहा जा उसे कहा जाता था सॉरी उसे कहा जाता था प्रांत,
और प्रांत के अधीन जैसे डिवीज़न हुआ करते हैं, जो कमिश्नरी हुआ करती है आज राज्यों के अधीन, संभाग हुआ करते हैं, उसे कहा जाता था मंडलम। ठीक है, तो राज्यों के जैसे प्रांत, संभागों के जैसे मंडलम। फिर मंडल के अंदर हुआ करते थे, जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट्स होती है उसमें होते थे कोट्टम, कोट्टम के नीचे जैसे हमारे यहाँ तहसील होती है यहाँ होता था नाडु। ठीक, और उसके नीचे होते थे ग्राम, जैसे विलेज होता है, तो ग्राम कई ग्रामों का समूह नाडु, फिर नाडु से ऊपर कोट्टम, फिर मंडलम, फिर प्रांत। राज्य के समतुल्य प्रांत, संभाग के समतुल्य मंडलम, ज़िले के समतुल्य कोट्टम, तहसील के समतुल्य नाडु, और विलेज और ग्राम सेम है। अच्छा, एक और चीज़, कुछ गांव के समूह को यानी ग्राम से ऊपर ही ये दो और भी यूनिट्स आ जाते हैं बीच में, कुछ गांव के समूह को स्थल या सीमा कहा जाता था, स्थल या सीमा। और इसके ऊपर एक और चीज़ है कि अगर मान लीजिए 50 गांव का समूह है, कुछ के समूह को स्थल या सीमा बोलते थे, और अगर 50 गांव का समूह है तो उसे कहा जाता था मेला ग्राम। तो ग्राम से ऊपर स्थल, अगर इस तरह से देखा जाए मैन्यूट वे में, तो ग्राम से ऊपर स्थल, फिर स्थल से ऊपर 50 गांव का समूह मेला ग्राम, फिर आता था नाडु, कोट्टम, मंडलम और प्रांत। ये छोटे से बड़ी व्यवस्था, या ऊपर से नीचे देखें तो बड़े से छोटी, बस उसी हिसाब से देखो। इसमें सबसे बड़ा हो गया मंडलम, फिर उसके बाद हो गया आपका नाडु, फिर हो गया आपका स्थल, और फिर हो गया ग्राम। इस हिसाब से 1, 2, 3, 4 जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। Is that clear? With that, now let us move on to the next question, question number 7. Question number 7 है, बीजापुर के किस शासक ने फारसी के स्थान पर हिंदी को राजभाषा बनाया था? और आपका ऑप्शन है यूसुफ आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह, या इनमें से कोई नहीं। What will be the answer? इसका आंसर होगा बी, इब्राहिम आदिल शाह। ठीक है, इब्राहिम आदिल शाह ने फारसी की जगह पर हिंदी को राजभाषा बनाया था। सो द क्वेश्चन हैज़ बिन पिक्ड फ्रॉम द बहमनी एम्पायर ऑफ मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। आपको पहले अभी मैंने कहा था कि हम विजयनगर और बहमनी से भी कुछ कुछ क्वेश्चंस लेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दो साम्राज्यों का अस्तित्व आया था, सन 1336 में विजयनगर, तो सन 1347 में बहमनी। हसन गंगू नाम के एक सरदार ने इस बहमनी साम्राज्य का अस्तित्व लाया था और शुरुआत में गुलबर्गा इसकी राजधानी बनाई। फिर हुआ ऐसा कि ये जो बहमनी साम्राज्य है वो 5 हिस्सों में टूट गया, सन 1484 से टूटना शुरू हुआ, और इस तरह से वो 5 हिस्सों में टूट गया, बरार, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर और बीदर। और उन्हीं में से सन 1490 में अस्तित्व में आया बीजापुर। बीजापुर बहमनी एम्पायर का एक टूटा हुआ हिस्सा, बीजापुर कर्नाटका के उत्तर हिस्से में, ये बीजापुर साम्राज्य बहमनी का एक हिस्सा था जिसके संस्थापक थे यूसुफ आदिल शाह। तो इसी बीजापुर, बहमनी के एक हिस्से बीजापुर के आदिल शाही वंश से ये सवाल पूछा है, एक डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो एक बीजापुर के ही शासक थे जिनका नाम था इब्राहिम आदिल शाह, जिन्होंने पर्शियन की जगह पर हिंदी जो है वो राजभाषा बना दी। इसमें ये याद रखिएगा कि जो अलाउद्दीन बहमन शाह या हसन गंगू हैं जिन्होंने बहमनी वंश की स्थापना की, उन्होंने जब वंश की स्थापना की तब वहाँ के जो तात्कालिक हिंदू राजा थे, राजपूत राजा थे, सबको अपने कहीं ना कहीं फेवर में लेकर के वंश की स्थापना की थी। सभी के साथ उन्होंने धार्मिक सौहार्द की भावना रखी, सभी को लेकर के उनका विश्वास जीत करके वहाँ पे उन्होंने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। इस वजह से बहमनी साम्राज्य जो शुरुआती था वो बिल्कुल स्टॉन्च मुस्लिम रूलर्स नहीं थे, वो जो हैं वो हिंदू धर्म या गैर मुस्लिम धर्मों को भी लेकर चलते थे, क्योंकि इसकी नींव ही ऐसी पड़ी थी हसन गंगू द्वारा। तो ऐसा हुआ कि वहाँ पर प्रचलित भाषा हिंदी हो गई थी, इस वजह से जो इब्राहिम आदिल हैं इन्होंने जो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट है जो कि पर्शियन थी इससे पहले, क्योंकि ऑल द रूलर्स ऑफ द बहमनी एम्पायर, ऑल द 5, चाहे वो निज़ाम शाही हो, चाहे कुतुब शाही हो, चाहे वो आदिल शाही हो, ठीक है, चाहे वो बरीज शाही हो, व इमाद शाही हो, यानी गोलकुंडा, बीदर, बरार, अहमदनगर, ठीक है, ये सभी जगह के जो रूलर्स थे वो मुस्लिम्स थे। तो उन सब की जो ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी वो पर्शियन या फारसी हुआ करती थी, बट दिस रूलर, क्योंकि वहाँ पे हिंदी भाषी काफ़ी थे, इस वजह से उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज को पर्शियन से बदल कर दिया
हिंदी, एक डायरेक्ट फैक्ट है, बट कहाँ से रिलेटेड है, कहाँ से पिक किया गया है, ये आपको पढ़ना चाहिए. इज दैट क्लियर? सो आंसर विल बी बी. विद दैट लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, बाबर के आक्रमण के समय भारतीय राज्यों में शासन करने वाले शासकों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है. क्वेश्चन ये पूछा है आपसे, सवाल समझे पहले, कि जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है, उस वक्त तात्कालिक भारत में किस हिस्से में कौन राजा था, और आपको मैच करना है कि किस हिस्से का राजा कौन था. विजयनगर में सामने लिखा है कृष्णदेव राय, ठीक है, दिल्ली में लिखा है इब्राहिम लोधी, बंगाल में लिखा है नुसरत शाह, और मालवा में लिखा है होसंग शाह. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन पूछा है कि सुमेलित नहीं है, मतलब बाकी के जो तीन होंगे वो मैच्ड होंगे करेक्टली एरिया और उसका सामने का रूलर, और एक कोई ऐसा ऑप्शन है जो कि आंसर होगा आपके इस क्वेश्चन का जो रॉन्गली मैच्ड है, मतलब कौन से प्रांत के सामने लिखे शासक का नाम गलत मैच्ड है, क्या होगा इसका आंसर. क्वेश्चन समझ में आया ना, बाबर ने जब आक्रमण किया था तब उस समय में भारत में जो भी राजवंश थे, जिन जिन जगहों पर थे, उन राजवंशों के नाम या राजाओं के नाम दिया और सामने जगह दी हुई है, बताना है कि कौन सा गलत है. इसका आंसर होगा डी, मालवा के सामने लिखा ना होसंग शाह, ये रॉन्गली मैच्ड है. ठीक, और बाकी जो तीन हैं, विजयनगर के सामने कृष्णदेव राय, दिल्ली के सामने इब्राहिम लोधी, और बंगाल के सामने नुसरत शाह, ये करेक्टली मैच्ड है. सो ये जो क्वेश्चन है ये बाबर यानी मुगल एम्पायर से भी आप लिंक कर सकते हैं इसे, और उस वक्त का जो तात्कालिक दिल्ली सल्तनत का अंत है उससे भी आप लिंक कर सकते हैं, मुगल साम्राज्य की स्टार्टिंग से भी लिंक कर सकते हैं. आप सभी जानते हैं कि बाबर केम टू इंडिया इन 1526 में उन्होंने इब्राहिम लोधी पर हमला करने के लिए भारत में एंट्री की, और 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ, पानीपत का पहला युद्ध जिसमें उन्होंने इब्राहिम लोधी को हराया और भारत में मुग़ल सत्ता की नींव डाली. तो ये इसी समय की बात है कि 1526 में जब भारत आया था बाबर, तब उस वक्त भारत में अलग अलग रियासत में कौन राजा थे. तो देखिए, इन रियासत और वहाँ के राजाओं का उल्लेख आपको बाबर की ही आत्मकथा तुजू के बाबरे में मिलती है, तुजू के बाबरे, जिसे बाद में जो ओरिजिनली टर्की में लिखी गई थी और बाद में पर्शियन में से अब्दुल रहीम खाने खाना ने ट्रांसलेट किया था. सो इट वॉज़ अ ऑटोबायोग्राफी ऑफ तुजू ऑफ बाबर, तुजू के बाबरी. इसी में उन्होंने उस वक्त जो जो राजा अलग अलग जगह पे थे उसका मेंशन किया था, और वहीं से क्वेश्चन पिक किया गया. तो देखिए, अभी तो हमने पढ़ा ही था ना कि तुगलकों के टाइम पर विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य अस्तित्व में आया था, साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत के टाइम और भी कुछ साम्राज्य अलग हुए थे, जैसे कि मालवा, मेवाड़, जौनपुर, बंगाल. ठीक है, तो उस वक्त जब बाबर आया तब इन सभी जगह कोई ना कोई शासक रहे होंगे. तो पहला वाला बिल्कुल सही, विजयनगर साम्राज्य में जब बाबर की एंट्री हुई थी तब विजयनगर साम्राज्य में तुलुव वंश था, और तुलुव वंश के शासक थे कृष्णदेव राय. 1509 से 1529 के बीच का उनका शासनकाल है, और इसी बीच में 1526 में बाबर आया था. तो कृष्णदेव राय बिल्कुल सही है. ठीक है, उसके बाद दिल्ली में इब्राहिम लोधी, ये तो फिर है ही, उस वक्त दिल्ली सल्तनत था, इब्राहिम लोधी से युद्ध करने आया था, तो दिल्ली में दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोधी थे, ये भी सही है. बंगाल में नुसरत शाह, तो बंगाल भी एक रियासत दिल्ली सल्तनत के वक्त अलग हुई थी, शमशुद्दीन इलियास खान ने उसे अलग किया था. ठीक, और जब बाबर की एंट्री थी 1526 में तब वहाँ का शासक नुसरत शाह था. आपको बंगाल में भी जो उस वक्त स्वतंत्र कुछ दो चार राजा थे जिन्होंने उस बंगाल रियासत की स्थापना की थी, उनके नाम याद करने पड़ेंगे. बाबर के समय नुसरत शाह का जिक्र आता है तो जो कि बाबरी में. और मालवा, मालवा का भी अस्तित्व फिरोजशाह तुगलक के टाइम ही आया था. दिलावर खान करके एक सरदार थे जिन्होंने मालवा को अस्तित्व में लाया था फिरोजशाह तुगलक से अलग करके, और उसके बाद एक के बाद एक बहुत सारे इंपॉर्टेंट राजा हुए, और उसके जो पहले प्रसिद्ध राजा थे वो थे होसंग शाह, जिनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है. ये गलत इसलिए है कि बाबर के आगमन के टाइम होसंग शाह नहीं थे, तो दिल्ली सल्तनत के टाइम ही पे, तुगलक वंश के टाइम ही पे होसंग शाह थे. जब बाबर आया था तब मालवा के जो शासक थे वो थे महमूद शाह सेकेंड. ठीक है, महमूद शाह सेकेंड ये मालवा के शासक थे, ना कि होसंग शाह. ठीक है, तो मालवा के भी जो इम्पोर्टेंट शासक हैं, जो आप मांडू वगैरह सुनते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ के किले के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, ये सब इन्हीं शासकों ने इस समय में बनाया था मध्यकाल में. ठीक है, तो उस टाइम
महमूद शाह सेकंड थे, ना कि जो यहाँ पर लिखा है हुसंग शाह। हुसंग शाह जो हैं वो तुगलकों के टाइम थे, बाबर के आगमन के टाइम महमूद शाह सेकंड। ठीक है, तो तुजू के बाबरी से ये क्वेश्चन लिया गया है एक्चुअली। उसमें उन्होंने बताया है कि कौन कौन समकालीन राजा थे, और उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जो कृष्णदेव राय थे विजयनगर साम्राज्य के, वो उस वक्त के समकालीन भारत के सबसे शक्तिशाली राजा थे। ठीक, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सो द क्वेश्चन नंबर 9 इज अरेंज द फॉलोइंग बैटल्स हेल्ड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड अकॉर्डिंग टू देयर क्रोनोलॉजी। मतलब आपको कालक्रम अनुसार मुगल युग में यानी मुगल काल में जो युद्ध हुए उनको सजाना है। कन्नौज का युद्ध, चौसा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या होगा इसका आंसर? 3421, 4321, 2314 या 2143? इट्स आंसर विल बी 3421. 3421 का मतलब है 3 में क्या है आपका? बैटल ऑफ चंदेरी। ठीक है, फिर 4 में क्या है आपका? बैटल ऑफ घाघरा। फिर 2 में क्या है आपका? बैटल ऑफ चौसा। और 1 में कौन सा है आपका? बैटल ऑफ कन्नौज। ठीक, 3421 इस हिसाब से है ये। तो दरअसल जब आप मुग़ल पढ़ते हैं तो वन ऑफ़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुग़लों में आपको पढ़ना रहता है वो है इनके द्वारा की गई बैटल्स। चाहे बाबर हो, चाहे हुमायूं, चाहे अकबर, चाहे जहांगीर, इन्होंने जो भी बैटल्स लड़ी, ख़ासतौर पर शुरू के 3, बाबर, हुमायूं और अकबर, ये जो 3 हैं इनके टाइम पर बहुत फेमस बैटल्स लड़ी गई थी। नाम से आपको याद रखने रहते हैं। और एक्चुअली जो 4 बैटल्स ली गई हैं ना, ये बाबर हुमायूं के टाइम से ही ली गई हैं। ठीक, कब लड़ी गई, किनके किनके बीच लड़ी गई और कौन जीता, ये आपको कम से कम ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड याद रहना चाहिए। तो जो चंदेरी और घाघरा है, ये दोनों ही जो बैटल्स हैं ये बाबर ने लड़ी थी। ठीक, बाबर। और ये जो चौसा और कन्नौज है, ये दोनों ही जो बैटल्स हैं ये हुमायूं की थी, हुमायूं। ठीक, चंदेरी जो है ये बैटल मेदिनी राय के साथ बाबर ने लड़ी थी। और घाघरा जो है बिहार और बंगाल की संयुक्त अफगान सेना के साथ बाबर ने लड़ी थी। और चौसा और कन्नौज जो है ये दोनों ही बैटल्स हुमायूं ने दोनों ही शेर शाह सूरी के साथ लड़ी थी। शेर शाह सूरी। ठीक, और ये जो बैटल्स हैं चंदेरी घाघरा, अगर हम ईयर वाइज देखें तो चंदेरी जो है ये 1528 में, घाघरा 1529 में, चौसा 1539 में और कन्नौज 1540 AD में लड़ी गई थी। मुग़ल काल की प्रारंभिक ये बैटल्स हैं 28, 29, 39 और 40। आपको याद रखना है, बाबर मेदिनी राय के बीच में चंदेरी का युद्ध लड़ा गया जिसमें बाबर जीता, घाघरा के युद्ध में अगेन बाबर जीता था बिहार बंगाल की संयुक्त अफगान सेना के साथ, चौसा और कन्नौज दो इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं जिसकी वजह से मुग़ल सत्ता को धक्का लगा था और कुछ वक्त के लिए अस्थायी तौर पर मुग़ल सत्ता या शासन भारत से हट गया था और भारत में सूरी वंश की नींव डली थी। और इन दोनों ही बैटल्स में जाहिर सी बात है शेर शाह सूरी जीता था, हुमायूं जो है वो हार गया था। चौसा में भी हारा था, फिर फाइनल निर्णायक युद्ध था कन्नौज जिसमें शेर शाह सूरी जीता, हुमायूं को एग्जाइल में जाना पड़ा और 15 सालों के लिए भारत में सूरी वंश स्थापित हो गया था। ठीक है, मैं हर युद्ध के कारण सरकमस्टांसेस डिटेल में नहीं जाऊंगी। आपको यहाँ पे क्रोनोलॉजी पूछा है, उस हिसाब से आपको इसका आंसर देना है, किसके बीच लड़ी गई, कौन जीता, कब हुई, कम से कम इतना तो याद रखिए। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका आंसर होगा ये 3421। नाउ विद दैट लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन सा मुगल शासक एक कुशल वीणा वादक था? ए शाहजहां, बी औरंगजेब, सी जहांगीर या इनमें से कोई नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन, मुगल एम्पायर, क्या होगा आंसर? आंसर होगा बी औरंगजेब। यस, औरंगजेब जो है उन्हें वीणा बजाने की काफ़ी अच्छी नॉलेज थी, वह एक बहुत ही कुशल वीणा वादक थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगेन मुग़ल एरा से है, मुग़ल काल के अंतिम मुग़ल सम्राट जो थे औरंगज़ेब, जिन्होंने 1658 से लेकर 1707 तक के भारत में रूल किया औरंगज़ेब ने, उनके ऊपर एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। वैसे तो हम जानते हैं कि औरंगज़ेब जो एक धर्मान शासक था, ही वॉज अ स्टॉन्च मुस्लिम रूलर। ठीक है, कट्टरपंथी मुस्लिम शासक था और उसने बहुत सारी चीज़ों पर पाबंदियाँ लगाई थी।
उसने हिंदुओं के जो सार्वजनिक पर्व थे उस पर बैन लगा दिया था। साथ ही साथ उन्होंने सार्वजनिक नृत्य और संगीत पर भी बैन लगाया था, बिकॉज़ वो शरिया के ख़िलाफ़ था। ठीक है, जो शरिया रूल्स हैं उसके ख़िलाफ़ था। तो संगीत नृत्य पर बैन तो लगाया था, लेकिन उसका आयरनी ये है कि ये खुद जो है काफ़ी अच्छा वीणा बजाया करते। तो इट इज़ अ डायरेक्ट फैक्ट रिलेटेड टू औरंगजेब, उस पर से क्वेश्चन है, आंसर होगा बी औरंगजेब। ठीक है, विद दैट लेट अस क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 है, मराठा साम्राज्य के संबंध में असत्य कथन चुने। अगेन ये क्वेश्चन आ गया आपका, मराठा एम्पायर से बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। सुमंत विदेश मंत्री का पदनाम था, सिलेदार घुड़सवार सैनिक थे, सरदेशमुखी में वार्षिक आय का 1/10 हिस्सा वसूला जाता था और चौथ सैनिक सुरक्षा के बदले वसूला जाता था। मराठा साम्राज्य से संबंधित स्टेटमेंट्स है, आपको इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करना है। क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा बी, सिलेदार जो हैं वो घुड़सवार सैनिक थे। देखिए, मैंने आपको कहा था कि मराठा एक टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये एक तरह का लिंक है मॉडर्न और मिडिवल के बीच में, और मराठा जो प्रशासन है उसके ऊपर से क्वेश्चन पूछा है, चाहे वो रेवेन्यू वाला पार्ट हो, एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट हो, जुडिशरी वाला पार्ट हो, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं मराठा साम्राज्य में, अदर देन राजाओं के बारे में जो फैक्ट्स हैं। ठीक, तो एक तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो अष्टप्रधानों पर से है। मराठा साम्राज्य में 8 इंपॉर्टेंट मंत्रियों के मंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था, जिसके प्रमुख पेशवा हुआ करते थे। तो आपको एक तो वो पूरे अष्टप्रधानों में 8 पदों के नाम याद रखना है कि किस तरह के मंत्री को क्या बोला जाता था। जैसे मैंने कहा ना, प्रधानमंत्री पेशवा को बोला जाता था, वैसे ही सुमंत या दाबिर विदेश मंत्री को बोला जाता। तो इसलिए जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक है, अष्ट प्रधानों में सुमंत या दाबिर विदेश मंत्री। सरदेशमुखी और चौथ के ऊपर तीसरा और चौथा स्टेटमेंट है, तो सरदेशमुखी और चौथ जो है ये वो कर हैं जो मराठे वसूला करते थे। चौथ एक तरह का सैन्य कर हुआ करता था, जो सुरक्षा के बदले ये वसूला करते थे, आय का 1/4 हिस्सा हुआ करता था। और सरदेशमुखी वो कर हुआ करता था जो मराठे उन जगहों से वसूलते थे जहाँ वो अपने पैतृक अधिकार मानते थे, जहाँ वो अपनी हेरिडेटरी राइट्स क्लेम करते थे, जो मराठा साम्राज्य के अधीन नहीं है। तो ऐसी जगह जो मराठा साम्राज्य के अधीन नहीं है, जहाँ पे ये कहते थे कि भले हमारे साम्राज्य के अधीन नहीं है पर वो जगह हमारी पैतृक संपत्ति रही थी, कभी हेरिडेटरी राइट्स, हमारे पैतृक अधिकार हैं उन जगहों पर। ठीक है, तो ऐसी जगहों से जहाँ पे ये अपने पैतृक अधिकार मानते थे, वहाँ से ये सरदेशमुखी वसूला करते थे और वो वार्षिक आय का 1/10 हिस्सा होता था। और अगल बगल की जो भी आपकी रियासतें हैं, वहाँ से सुरक्षा के बदले जो सैनिकों से सैन्य कर वसूला जाता था, जो आय का 1/4 हिस्सा होता था, वो चौथ होता था। तो जो अभी मैंने बताया, ये दोनों तरह के टैक्सेशन से रिलेटेड सीओडी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि सरदेशमुखी जो है वो 1/10 हिस्सा था, चौथ जो है वो 1/4 हिस्सा था और सैनिक सुरक्षा के बदले वसूला जाता था। इसलिए ए, सी और डी सही है। बी गलत इसलिए है, तो सिलेदार घुड़सवार सैनिक, घुड़सवार सेना जो इनकी हुआ करती थी, घुड़सवार सेना, इसके दो हिस्से हुआ करते थे। ठीक है, एक होता था बर्गिर और दूसरे होते थे सिलेदार। ये घुड़सवार सेना के ही दो हिस्से थे एक्चुअली। बर्गिर जो हुआ करते थे ना, ये वो सैनिक हुआ करते थे जिन्हें घोड़े भी दिया जाते थे और अस्त्र शस्त्र भी दिए जाते थे। तो जो बर्गिर हुआ करते थे वो घुड़सवार सैनिक हुआ करते थे, सिलेदार जो हैं वो पैदल सैनिक हुआ करते, मतलब ये होता है कि उनके पास अस्त्र शस्त्र तो थे पर उन्हें घोड़े नहीं अलॉट किया करते थे। इस वजह से वो स्टेटमेंट बी है वो रॉन्ग होगा। ठीक है, बर्गिर घुड़सवार सैनिक थे, सिलेदार नहीं। ठीक, विद दैट नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टुडेज एफटीआर सेशन। पेशवा बाजीराव प्रथम ने 1728 को पालखेड़ा में निजाम को पराजित कर कौन सी संधि की थी? मुंगीशेगांव, वारना, दुरईसराय या बेसिन? क्या होगा आंसर? आंसर होगा ए, मुंगीशेगांव। देखिए, ये क्वेश्चन मराठा काल के पेशवाई राज से है। सन 1713 से 1818 के बीच में मराठों का जो सेकंड फेज था वो पेशवाओं के हवाले था और इन पेशवाई राज का सबसे इम्पॉर्टेंट जो पेशवा थे वो थे बाजीराव प्रथम। उन्होंने अपने सामर्थ्य, अपनी शक्ति को कई तरीके से साबित किया और उनमें से एक जो उन्होंने साबित किया था वो निज़ाम को दो बार हरा कर। तो जब उन्होंने निज़ाम को पालखेड़ा में 1728 में हराया, तब वहीं पर मुंगीशेगांव की संधि करने पर उसे मजबूर किया, जिसके तहत निज़ाम ने ये स्वीकार कर लिया कि मैं चौथ और सरदेशमुखी पटाऊँगा मराठों को, और साथ ही साथ निज़ाम ने अपने जितने विजित क्षेत्र थे मराठों के वो वापस कर दिए। ठीक,
और साथ ही साथ उसने ये भी मान लिया कि उसके पास जितने भी मराठा सैनिक कैद हैं वो उन सबको छोड़ देगा। ठीक है, तो ये थी मुंगी शेगांव की संधि जो 1728 में हुई थी निज़ाम और बाजीराव प्रथम के बीच में, जो बाजीराव प्रथम की शक्ति का एक रिफ्लेक्शन दिखाती है। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल विद टुडेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मिडिवल हिस्ट्री। वी विल मीट टुमारो विद फ्यू मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। थैंक यू सो मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।